No one than Bruce Banner. The Bruce Banner के बारे में क्या पता हूँ तो Bruce Banner वाले हल्के साइबर PhD इसके रखे और इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं. सैलरी बहुत ज़्यादा है गाइस. तो गाइस हमारे नंबर 9 पे जो कैरेक्टर है नंबर 9 मून नाइट इसलिए ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि स्टीवन ग्रांट है या मार्क स्पेक्टर. उससे मुझे लगता है स्टीवन ग्रांट ही ऑप्शन है. जेक लॉक लिख गया. गाइस नंबर 8 पे जो कैरेक्टर है उसका नाम है चार्ल्स जेवियर. चार्ल्स जेवियर के प्रोफेसर एक्स. उनके बारे में बहुत बड़ी संपत्ति क्योंकि उनका खुद का एक्समेंशन भी है. तो गाइस हमारा जो नंबर 7 पे कैरेक्टर है वो है स्टार लॉर्ड और भी बहुत सारे गैजेट्स और खुद का एक्सिप है. यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा अमीर है. तो हमारा नंबर 6 पे कैरेक्टर है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी संपत्ति. और उसका नाम दर्शन की फर्स्ट मूवी देखा कितनी सारी हिस्सी थी. देखा जो हमारा नंबर 5 जो कैरेक्टर है वो हैरी रिचर्स. यानी फंटास्टिक टीम के लीडर और साथ बड़े बिलियनियर है जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है. जो हमारे नंबर 4 जो कैरेक्टर है फेवरेट टोनी स्टार्क की आयरन मैन जो नंबर 1st पर नहीं है क्योंकि जो सबसे पसंद नहीं है. तो बस नंबर 3rd पर जो करेक्टर है वो है थर्ड बोल ब्लैक मैं कुछ मुझे ज़्यादा पता है नहीं तो बता के क्या फ़ायदा क्या बताऊँगा आपको. वैसे अरे पता तो नंबर 2nd जो का इस कैरेक्टर है इतना अमीर अभी नहीं है जितना अमीर पहले था. पर पहले थॉर के पास गार्ड था लेकिन अभी नाइस गार्ड है. अब तो वो बस कुछ नहीं है. तो इस नंबर 1 पे जो कैरेक्टर है वो का सबसे रिचेस्ट करेक्टर नंबर 1 ब्लैक पैंथर. पैंथर एमसीयू का सबसे रिचेस्ट करेक्टर है. और ऐसी वीडियोस के लिए गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग. बाय बाय गाइस.